दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मैं सौरभ हूं, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। साल 2019 में वर्ल्ड कप खेला गया, टीम इंडिया सेमीफाइनल में हार गई। हार की जो पुरानी तस्वीर आज भी ताजा है वो है धोनी की तस्वीर, जब धोनी रन आउट हुए और फिर निराश होकर लौटे। उसके बाद धोनी टीम में वापसी नहीं कर पाए। बार बार खबर आई कि धोनी टीम में वापसी करेंगे, कहा गया कि आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें टीम इंडिया में शामिल किया जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इस साल आईपीएल का हो पाना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में धोनी की वापसी भी मुश्किल लग रही है। इस बीच गौतम गंभीर और आकाश चोपड़ा ने कहा है कि अब धोनी की टीम इंडिया में वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। गंभीर ने कहा, अगर इस साल आईपीएल नहीं होता है तो फिर धोनी के लिए वापसी करना बहुत मुश्किल है। धोनी एक साल से टीम से बाहर है, ऐसे में आप उनका चयन किस आधार पर करेंगे? हालांकि उन्होंने केएल राहुल को टीम इंडिया में एमएस धोनी का विकल्प बताया और कहा केएल राहुल धोनी का विकल्प हो सकते हैं। अब तक उन्होंने जब भी वाइट बॉल में कीपिंग की जिम्मेदारी निभाई है, तब से मैंने उनकी कीपिंग और बल्लेबाजी दोनों देखी है। बिल्कुल ठीक है कि उनकी कीपिंग अभी धोनी जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर T20 क्रिकेट को ध्यान में रखकर सोचा जाए तो राहुल एक उपयोगी खिलाड़ी हैं जो कि नंबर 3 और 4 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। गंभीर के अलावा आकाश चोपड़ा ने भी ये संभावना जताई है कि अब धोनी की टीम इंडिया में वापसी मुश्किल दिख रही है। उन्होंने कहा, धोनी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से लेकर अब तक टीम के लिए उपलब्ध नहीं है। धोनी को ड्रॉप नहीं किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अपना मन बना लिया है कि वो भारत के लिए अब नहीं खेलेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर गांगुली, विराट कोहली या शास्त्री चाहें तो धोनी वापसी कर सकते हैं। आकाश ने कहा, धोनी अभी टीम इंडिया के लिए खेल सकते हैं अगर सौरव गांगुली, रवि शास्त्री या विराट कोहली की ओर से T20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें बुलाया जाए। अगर वे चाहें तो धोनी T20 वर्ल्ड कप के लिए वापस आ सकते हैं। आकाश ने कहा कि लेकिन उन्हें लगता है कि धोनी अब अपना मन बना चुके हैं कि वो फिर से इंडिया के लिए नहीं खेलेंगे। वो जिस तरह से खामोशी से टीम में आए थे वैसे ही खामोशी के साथ चले जाएंगे। हालांकि ऐसा होता है तो काफी फैंस के दिल जरूर टूटेंगे। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? धोनी वापसी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? और जो आकाश ने आखिरी बात बोली कि खामोशी के साथ वो चले जाएंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तुम्हारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।